हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, क्लास 6 साइंस का। तो इसके अंदर हम चैप्टर को रीड करेंगे, बहुत आसान तरीके से समझेंगे और एंड में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। क्या मतलब? प्लांट्स मतलब पौधे, और उनके बारे में जानना, जानकारी लेना, उनको अच्छे से समझना, उसको कहते हैं गेटिंग टू नो प्लांट्स। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल अराउंड द प्लांट्स अराउंड यू। आपके आसपास पौधे हैं, आपके आप अपने घर में भी पौधे लगाते हो, गार्डनिंग करते हो, हर इंसान को शौक होता है। तो उसमें क्या देखते हो आप? कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ मल्टी कलर्ड लीव्स हैं, किसी की रेड है, किसी की येलो है। तो हर पौधे में आपको अलग अलग तरह की वैरायटी, अलग अलग तरह का फीचर और प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे। यही हम अपने आसपास, अपने घर में, अपने स्कूल ग्राउंड में, पार्क में, गार्डन्स में देखते हैं। आप अपने घर के पास पार्क में जाओगे, वहाँ भी आपको अलग अलग तरह के पौधे देखने को मिलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर नेचर वॉक दिखाया गया है, कि ट्री भी है, छोटी छोटी बुशेस भी हैं, श्रब्स भी हैं, छोटे पौधे हैं। तो इन्हीं सबको हम जो है सम टोटल प्लांट का नाम देते हैं। अब इन पौधों में हम कॉमन क्या देखते हैं? रूट होती है, स्टेम होती है, लीफ होती है, फ्रूट होता है, ठीक है। तो स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, फ्रूट होता है, यही सारी चीज़ें हमें पार्ट्स ऑफ द प्लांट में दिखती है। तो बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, पेपर में आ जाता है कि रूट्स क्या हैं। इसका अभी हम आगे डिटेल में डायग्राम करेंगे। अब पढ़ते हैं हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी वन देखते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। जो आपसे हाइट में छोटे हैं उनकी स्टेम और ब्रांचेज देखिए, उनकी देखिए जो आपके साइज के हैं, और उनकी देखिए जो आपसे लंबे हैं। उनकी स्टेम को फील करिए, उसको बेंड करिए, हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है। तो ये देखिए, ये कैटेगरीज ऑफ प्लांट है। जिसके अंदर इन्होंने कॉलम में दिखा रखा है कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा आपकी हाइट का है। तो ये प्लांट का नाम है टोमेटो। ये छोटा होता है हाइट में, ग्रीन होता है, टेंडर होता है, हरा होता है, ठीक है। और किस में आता है? हर्ब में। टोमेटो का पौधा होता है, छोटा होता है, तो उसको कहते हैं हर्ब। मैंगो का प्लांट बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं ट्री। और जो नींबू का पौधा है वो आपकी हाइट के अराउंड ही मिलेगा, उसको कहते हैं श्रब। तो जो आपसे छोटा है वो हर्ब, हर्ब जो आपके साइज का है वो श्रब, और जो आपसे बड़ा है वो ट्री। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, हर्ब, श्रब एंड ट्री। तो प्लांट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। उसके अलावा एक टॉपिक है वीड। वीड क्या होते हैं बच्चों? जब आप पौधे उगाते हो तो जो अनवांटेड प्लांट्स आपके गार्डन में खुद ही उगाते हैं, आप चाहते नहीं हो, वो खुद ही आ जाते हैं, उनको कहते हैं वीड। तो ये अपने आप, इसके सीड जो है वो हवा में होते हैं या कहीं से उड़ के आ गए और आपके पौधे के साथ ग्रो कर जाते हैं, उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, पौधे को उगने नहीं देते। तो इसीलिए इन वीड्स को प्लोइंग करके, खुरपी करके हटाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हर्ब, श्रब, ट्रीज हमने कर लिया। उसके बाद क्रीपर्स। क्रीपर होता है जो जमीन के साथ साथ रेंगते हैं। ये देखिए, ये हर्ब, श्रब, ट्रीज से बहुत छोटे हैं, जमीन के साथ साथ चलते हैं, ये जैसे लहसुन का पौधा है। उसके बाद एक टॉपिक है, टर्म है क्लाइंबर। क्लाइंबर क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, ऊपर की तरफ क्लाइंब करना, बेल चढ़ना, जैसे मनी प्लांट। ठीक है, तो ये पांच टर्म्स आपको याद रखनी है, हर्ब, श्रब, ट्री, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेम क्या होती है। बच्चों, स्टेम वो हरा पार्ट है प्लांट का, जिससे जो है पूरे पानी, न्यूट्रिशन, खाना जो है वो पूरे पौधे को मिलता है। अब एक्टिविटी टू देखिए, इसमें हम क्या करेंगे? एक ग्लास चाहिए, उसके बाद इंक चाहिए और सॉफ्ट स्टेम चाहिए। उसमें आपने पानी डाला, उसके अंदर इंक डाल दी, कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास, ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल होता है बच्चों लैब में करने का, कि आप जो पानी में इंक डालते हो आपको पौधे की स्टेम में दिखेगी।
तो इससे क्या पता चलता है कि कलर स्टेम में आया, रूट से पानी पौधे के साथ ऊपर गया और वो फिर जो है वेन्स के थ्रू लीव्स में भी नज़र आता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि जो स्टेम होती है इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, रूट से ऊपर की तरफ को पानी जाता है स्टेम के थ्रू। वाटर और मिनरल्स भी लीव्स और अदर प्लांट्स में स्टेम के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है स्टेम का। नेक्स्ट टॉपिक है लीफ। लीफ तो आपको बच्चों पता ही है, हरा पार्ट जो होता है लीफ का, प्लांट का, उसको लीफ कहते हैं। हर पौधे में लीफ जो है वो साइज, शेप, कलर, टेक्सचर अलग-अलग होती है। लीव्स स्टेम से कैसे अटैच्ड होती हैं, तो जिस पॉइंट से वो अटैच होती है, जो डंडी आप तोड़ते हो उसको कहते हैं पीटियोल। लीफ का हरा पोर्शन कहलाता है लेमिना। तो ये देखिए डायग्राम में, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हरा पार्ट है लेमिना, ये पेड़ के साथ जहाँ जुड़ा होता है ये स्टेम है, और जो डंडी जिससे आप पत्ती को तोड़ते हो उसको कहते हैं पीटियोल। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। अब एक्टिविटी 3 में वो क्या कर रहे हैं, एक वाइट शीट ली। ठीक है, वाइट शीट लेने के बाद होल्ड इट इन द प्लेस एज शोन इन दिस फिगर, होल्ड योर पेंसिल टिप साइड वे एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग लीफ बिलो इट। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विथ सम लाइन्स ऑन इट, आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ। तो जब आपने पत्ती का इम्प्रेशन बनाया तो कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन मिलेगा। इनको हम कहते हैं वेन्स। तो वेन क्या होती है बच्चों, ये देखो आपको छोटी छोटी धारियाँ नज़र आ रही हैं लीफ में, इनको हम कहते हैं वेन। जैसे हमारे शरीर में भी तो छोटी छोटी वेन होती हैं, ऐसे ही प्लांट में भी लीफ में वेन होती हैं। उसके बाद जो सबसे मिडल में एक वेन होती है उसको कहते हैं मिड रिब। वेन्स का डिज़ाइन जो होता है लीफ में उसको कहते हैं लीफ विनेशन। अगर डिज़ाइन, अगर एक पत्ती है उसका डिज़ाइन ऐसे है पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल, तो इसे कहते हैं पैरेलल विनेशन। और अगर एक पत्ती है उसमें डिज़ाइन ऐसे है जैसे हम अपनी आर्ट फाइल में बच्चों की तरह बनाते होते थे, इसे कहते हैं रेटिक्यूलेट विनेशन। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ये देखिए ये बीच की वेन है मिडरिब, और जो आगे की छोटी निकल रही है वो है वेन्स। एक्टिविटी 4 में वो क्या कर रहे हैं, वी विल रिक्वायर अ हर्ब टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन बैग्स एंड थ्रेड, डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। आप एक हेल्दी वाटर्ड प्लांट ले लीजिए जो सन में ग्रो करता है, उसकी एक लीफ को आप पॉलिथीन बैग से कवर कर दीजिए। ठीक है, और उसको सन लाइट में रख दीजिए। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखेंगे, उसके अंदर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देखेंगे। तो वो कहाँ से आए, वो आए जो लीफ के अंदर पानी होता है वो उसके सरफेस से उड़ता रहता है, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो अब आपको ये याद रखना है, वैसे जो पानी भाप से उड़ता है उसे क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। और ये जो इवेपोरेशन लीव्स में होती है उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, इसीलिए पौधे जो होते हैं वो हवा की नमी को भी बरकरार रखते हैं, इसलिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं। एक्टिविटी 5 देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, एक पत्ती ली, स्पिरिट लिया, बीकर लिया, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास एंड आयोडीन सोल्यूशन। टेक अ लीफ इन द टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स इट। एल्कोहल डाल दी पत्ती के ऊपर और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, उस बीकर को हीट किया और उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया। तो आपने क्या देखा कि जो पत्ती है उसके अंदर खाना होता है, क्योंकि पत्ती में ही खाना बनता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और उसमें से एक न्यूट्रिएंट क्या है, स्टार्च। तो जब स्टार्च आयोडीन के रिएक्शन में आएगा, इससे रिएक्ट करेगा तो ब्लू ब्लैक कलर बना देगा। ठीक है, जैसे हमने कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में किया था, जो हम चावल खा रहे हैं उस पर हमने आयोडीन डाली तो उसमें स्टार्च है, तो वही स्टार्च जो है वो पत्ती में भी है। उसके बाद बच्चों खाना कैसे बनाते हैं पौधे अपना, फोटोसिंथेसिस से। तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल की मदद से और सनलाइट की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना। और इस प्रोसेस में क्या मिलता है हमें, ऑक्सीजन। इसीलिए कहते हैं पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वो अपना काम करके आपका काम भी करते हैं
ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रूट। रूट क्या करती है? रूट जो है वो ज़मीन से पानी लेती है। तो आपने देखा होगा जब आप पौधा लगाते हो, छोटा सा पौधा लगाते हो, उसमें छोटी छोटी जड़ें होती हैं, उसको आप ज़मीन में मिट्टी में गाड़ते हो, खुरपी करके मिट्टी में गाड़ते हो तो, और पानी डालते हो, थोड़े टाइम बाद वो रूट्स पानी को लेती हैं और धीरे धीरे ऊपर स्टेम और लीफ बननी शुरू हो जाती हैं। तो पौधा जो है वो एक हरा भरा पौधा बन जाता है। अब रूट पानी तो देती हैं, साथ में पौधे को जड़ से मिट्टी के साथ बांध के भी रखती है, ठीक है। तो जब आप पौधे को उखाड़ते हो गमले में से, तो आपके लिए आसान नहीं होता, वो जड़ों ने पकड़ रखा होता है मिट्टी को, उसको कहते हैं एंकर करना, पकड़ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेनेशन हमने पढ़ी लिया है, रेटिकुलेट और पैरेलल। अब देखिए जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेनेशन होगी तो रूट कैसी होगी। देखिए दो तरह की रूट होती हैं, एक होती है टैप रूट जो बड़ी होती है और एक होती है लेटरल रूट जो छोटी होती हैं, ठीक है। प्लांट विद रूट्स, ये वाली ऐसे फाइब्रस वाली, इसमें मेन रूट नहीं है, इनको कहते हैं फाइब्रस रूट। देखो फाइबर का मतलब गुच्छा, कितना मोटा गुच्छा है, ठीक है। ये मेन है टैप रूट और उससे आगे जो जड़ें निकल रही हैं उसको कहते हैं लेटरल रूट्स, ठीक है। अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह की रूट में किस तरह की लीव्स की वेनेशन होती है। उसके बाद आता है फ्लावर। फ्लावर आपको पता ही है बच्चों, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है प्लांट का, उसको हम फ्लावर कहते हैं। उसमें कलर होता है ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। कुछ पौधों में फ्लावरिंग होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ में पत्तियाँ बहुत ब्राइटली कलर्ड होती हैं, कुछ में नहीं होती, ठीक है। ये सबसे सुंदर डायग्राम है फ्लावर का, जिसके अंदर दिखा रखा है ये जो हरा पोर्शन है ये सेपल है, और जो लाल पत्तियां हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं। इनके अलग अलग कलर्स होते हैं ताकि इसकी खुशबू और रंग से इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाए, और उससे क्या होगा, फिर पॉलिनेशन होगा। ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। अब जो फ्लावर होता है उसके अंदर मेल पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल पार्ट होता है पिस्टिल। अभी आपको इतना ही याद रखना है, बड़ी क्लास में जाके आप इसकी डिटेल पढ़ोगे। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल, ये फीमेल पार्ट होता है और मेल पार्ट होता है स्टेमन। अब ये देखिए पिस्टिल भी तीन तरह का होता है, उसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ये देखिए पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये हरा वाला जो है ये तो है सेपल, ये ऊपर है पेटल, उसके बाद ये देखिए ये आपको जो अंदर छोटे छोटे गोले नज़र आ रहे हैं ये हैं स्टेमन, एंथर्स, और ये जो नीचे बेस है फूली हुई ये है ओवरी, पिस्टल, ठीक है। तो आप अपनी लैब में जब ये प्रैक्टिकल करोगे, फूल को तोड़ के इंटरनल पार्ट्स देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और ओव्यूल, ओवरी के अंदर छोटे छोटे मोती जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स। ये सबसे इनर पार्ट ऑफ द ओवरी कहलाता है, ये होते हैं बीज। ये देखिए बीज, ओव्यूल, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया। चलिए कीवर्ड्स देखते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो क्लाइंब करते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। कंडक्ट क्या होता है, आगे बढ़ना। क्रीपर्स क्या होते हैं, जो रेंगते हैं। फाइब्रस रूट क्या होती है, गुच्छेदार, जिसमें टैप रूट मेन रूट नहीं होती। हर्ब्स क्या होते हैं, सबसे छोटे। लैमिना क्या होता है, लीफ का हरा पार्ट। लेटरल रूट्स क्या होती हैं, सब रूट्स, मेन रूट से जो सब रूट्स निकल रही होती हैं। मिडरिब क्या होता है, लीफ के सबसे बीच की वेन। ओव्यूल क्या होता है, मोती जैसे स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर, फ्रूट में, फ्लावर में। पैरेलल वेनेशन क्या होती है, इस तरह की वेनेशन, ऐसे। पेटल क्या होता है, फ्लावर की पत्तियाँ रंग बिरंगी। पीटियोल क्या होता है, वो डंडी जिससे हम लीफ को पकड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं। पिस्टल क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट, फ्लावर। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, इस तरह की। सेपल क्या होता है, फ्लावर का हरा पार्ट। श्रब्स क्या होती हैं, जो हमारे साइज की होती हैं। स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। टैप रूट क्या होती है, मेन रूट। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लीफ में से पानी का निकलना। ट्रीज क्या है, पौधे।
और वेन्स क्या है, लीफ के अंदर ये जो वेन्स हम बनाते हैं, ये वेन्स ही हैं जो हमने बनाई है, ठीक है। चलिए समरी देखते हैं। प्लांट्स को हर्ब, श्रब और ट्रीज में डिवाइड किया जाता है। हर्ब्स छोटे, श्रब हमारे साइज के, और ट्रीज बड़े। स्टेम पे लीव, फ्लावर और फ्रूट होते हैं। लीफ जो है उसके अंदर पीटियोल और लेमिना होता है। लीफ के वेन के पैटर्न को वेनेशन कहते हैं, ये रेटिकुलेट और पैरेलल हो सकता है। लीव्स जो है वो वाटर वेपर बाहर छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन से। पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस से खुद बनाते हैं। रूट जड़ से, जड़ जो होती है वो पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है और पेड़ को बांध के रखती है। रूट्स दो तरह की होती हैं, टैप रूट एंड फाइबरस रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। प्लांट्स जिसमें रेटिकुलेट विनेशन होगी उसमें टैप रूट होगा, और जिसमें पैरेलल विनेशन होगी उसमें गुच्छेदार फाइबरस रूट होगी। स्टेम जो है वो पानी रूट से लेके पूरे प्लांट को देती है। फ्लावर में सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, मैंने आपके लिए पहले ही सॉल्व किया है। स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, गलत, रूट्स करती हैं। लीफ होल्ड द प्लांट अपराइट, गलत, स्टेम करती है। रूट्स कंडक्ट वाटर टू लीव, गलत, स्टेम करती है। नंबर ऑफ पेटल एंड स्टेमन इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल, नो, कभी भी ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल ही होंगे। इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, पेटल भी ज्वाइन होगी ना, जब हरा पार्ट ज्वाइंट है तो पेटल्स, ज़रूरी नहीं कि पत्तियाँ भी ज्वाइंट होंगी। इफ़ पेटल्स ऑफ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन पिस्टल इज ज्वाइन टू पेटल, नहीं, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अगर स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ज्वाइंट है तो दूसरा स्ट्रक्चर भी ज्वाइंट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, लीफ, टैप रूट और फ्लावर का डायग्राम हम ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद ऐसी कोई बेल जो आपके आसपास, आपके घर में, आपकी सोसाइटी में हो, हमने देखी ही है। मनी प्लांट है बेस्ट एग्जांपल, जो कि एक क्लाइंबर है। स्टेम का फंक्शन क्या होता है अभी हमने पढ़ लिया था, ब्रांचेस होती हैं उस पर, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, रेटिकुलेट विनेशन इन सब में होती है। फाइबरस रूट है तो पैरेलल विनेशन, रेटिकुलेट है तो टैप रूट। एट्थ क्वेश्चन सेम ही है। नाइन्थ क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। टेंथ क्वेश्चन, किस प्लांट में फ्लावर होते हैं, ये मैंने आपके लिए टिक किए हैं। इलेवंथ क्वेश्चन, खाना कैसे बनता है, कहाँ बनता है, लीव्स में, फोटोसिंथेसिस। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ओवरी का फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टल। थर्टीन्थ क्वेश्चन, दो प्लांट्स जिसमें सेपल जॉइंट है और सेपल अलग अलग है, तो जॉइंट सेपल किस में होती है, सदाबहार और कॉटन में, और सेपल सेपरेट किस में होती है, रोज़ और लोटस में। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। अगली बार नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय।